पसंद आपकी, पेशकश हमारी। मोहम्मदिया मंदी हाउस, नियर मोहम्मदिया शवरमा, खादरबाग, नानल नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़ालते हैं एक अफसोसनाक खबर पर। कल देर रात गए मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया। अपने सियासी कैरियर में बेदाग सियासतदान मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब, जबकि जॉइंट आंध्रा प्रदेश था उस दौर में, जो है MLA भी रहे, MLC भी रहे। और वहीं पर हम आपको बताते चले, राजशेखर रेड्डी के दौर इख्तदार के टाइम पर ये कहीं बार मिनिस्टर भी रह चुके। और बेबाक बेदाग सियासतदान मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब, जो कि एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखने वाले थे, इनका घराना एक पढ़ा लिखा घराना था। इनके वालिद साहब मरहूम मोहम्मद फखरुद्दीन साहब स्कूल के हेडमास्टर रहा करते थे। और वहीं नाज़रीन हम आपको बताते चले कि अपने सियासी कैरियर में बेदाग सियासतदान मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब, क्योंकि कभी भी इनके खिलाफ कोई सियासतदान कुछ कहता नहीं था और ये भी किसी को कुछ कहते नहीं थे। बहरहाल अपनी एक अच्छी सियासी जिंदगी गुजारने के बाद कल देर रात गए लंग्स की खराबी की वजह से मरहूम मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया। कल देर रात गए इनका दीदार करने के लिए पहुंचे तेलंगाना के होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव और वहीं पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब। कल देर रात गए हॉस्पिटल पहुंचे और उनका आखिरी दीदार किया। आज बाद नमाज जोहर इनकी तफरीन जहीराबाद में अमल में आई है और हमारे नाज़रीन से अपील करते हैं कि इनके लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला जो है इनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाएं। बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे हरदिल अजीज एक्स मिनिस्टर और हमारी पार्टी के लीडर जनाब फरीदुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया है। वो दवाखाने में शरीक थे, उनका ट्रांसप्लांट हुआ था। उसके बाद 7 बजे तक बहुत 5 बजे तक बहुत अच्छी थी कैफियत, बस सडनली हार्ट अटैक होने की वजह से उनका इंतकाल हो गया। हम लोग सब उनके गम में शरीक है और कल तकफीन उनकी जहीराबाद में होगी, उनकी नेटिव प्लेस में। आज घर पर हमारे हरीश राव साहब और MP साहब, MLA साहब, बहुत से लीडर्स यहाँ पर आए थे पुरसा देने के लिए। इंशाल्लाह कल मैयत में भी शरीक रहेंगे। और यह खबर बहुत दुख की खबर है, CM साहब भी काफ़ी देख रहे हैं, मामले में मालूमात हासिल किए। और फरीद भाई बहुत खामोश लीडर थे, बहुत अच्छी खिदमत किया करते थे और हमारी पार्टी में काफ़ी दिन से वो बहुत तेलंगाना की तरक्की में बहुत आगे बढ़कर काम कर रहे थे। हज़ारों लोगों में, लाखों लोगों में उसका आज का जो उनका इंतकाल हुआ उस पर खाली दुख का इजहार किया जा रहा है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाएं और अल्लाह ताला से यही गुजारिश, अल्लाह ताला वो बहुत आवाम की खिदमत करते रहे, उनकी मगफरत करें और जन्नत फिरदौस में जगह अता। CM साहब के साथ हमारी पार्टी में जो है सबके साथ जो है ना, महमूद भाई, फारूक भाई, सब लोग, BB पटेल साहब, सब हर एरिया में भी जो ना अच्छा, हर एक से खुलूस मोहब्बत से मिलने का काम था इनका, क्योंकि पॉलिटिक्स में ऐसे लोग बहुत कम रहते। आज हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ आज फरीद भाई नेहरे से, इन्हों भी मेरे खास दोस्त थे पहले से, कांग्रेस में रहो या कोई भी पार्टी में रहो, मगर इंसानियत जो थी इनके ने, मैं इनका मैं कितनी भी तारीफ करे कम है, पर अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि इनको जो है जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, अल्लाह ताला इनके घर वालों को भी जो है ना सब्र जमील अता फरमाए, अल्लाह ताला जो है इनके बच्चे को भी सबको जो है अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए, अल्लाह ताला इनको आला से आला मुकाम अता फरमाए, खबर जन्नत में इनको जो है जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, अल्लाह ताला इनको जो है कि इनके घर वालों को भी जो है जो भी परेशानी है अल्लाह ताला इनको दूर करे, अल्लाह ताला सबको सेहत और ईमान की ताकत दे, आलम के सबको आवाम को जो है ना दीन और इस्लाम की ताकत दे। गर्मंटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल, वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आ रास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।